नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक ट्राइज फेडरेशन AIBRF ने एक सर्कुलर 28 अप्रैल 2024 को जारी किया। मुद्दा क्या है? द कोर कमेटी मेंबर्स AIBRF रिगार्डिंग नोटिस फॉर कमेटी मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 1 मई 2024। It has been decided to convene the core committee meeting through video conferencing on 1st May 24 from 11:30 a.m. onwards to deliberate and decide the following items of agenda. First, A. Latest development of implementation of ex gratia, issues arising out of it and collection of levy, sahyog rasi by affiliates and the proposed formula for sharing with AIBRF. B. Development on the next renewal of the group medical scheme. C. Report on recent meeting with the GS AIBA on 26 April 24. D. Any other matter with the permission of chair. Friends, यानी कि AIBRF का रुख B AIBA एंड UOBU की तरह हुआ, यानी कि मीटिंग की जो कन्वीन किया जा रहा है उसका असली मुद्दा और कुछ ना होके केवल लेबी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। 1000 से लेके 3000 तक पाने वाले, ज्यादा से ज्यादा एक्स ग्रेसिया पाने वाले लोग, उसमें से भी लेबी देने के लिए, लेने के लिए हमारे लोग खड़े हो गए। दूसरा, नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ द ग्रुप मेडिकल स्कीम। पिछले कई साल से ये यूनियंस जब मेडिकल स्कीम की बात आती है तो ये अपने नए नए दावे पेश करते हैं और हर बार बड़ा प्रीमियम, कैपिंग सिस्टम, यानी कि रिटायरीज को सिवा नुकसान के अलावा कुछ नहीं। ऐसे में इनका क्या हो सकता है इस तरह के मीटिंग करने से, और जब इनके किसी भी एक्टिविटीज से किसी को कुछ नहीं फायदा होता है। रिपोर्ट ऑन रिसेंट मीटिंग, अभी रिसेंट मीटिंग किया इन्होंने, AIBA के जनरल सेक्रेटरी से मिलने चेन्नई गए थे और मीटिंग किया है। उसमें मीटिंग क्या होगा? उसमें मीटिंग यही होगा कि आप जो चाहे सो करिए, मैं चुप रहूंगा, कुछ पैसा हमें भी दे दीजिए, सीधी सी बात। एनी अदर मैटर विद द, और क्या मैटर हो सकता है सिवा रिटायरीज को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई और मुद्दा होने की पूर्ण संभावना नहीं है। और इसी बात को एक हमारे रिटायरी साखी देना बैंक के मुंबई विश्वनाथ बी ने लिखा इनके बारे में। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स क्लेम बाय द वर्थलेस गाय दैट IBA वांटेड टू ऑफर 100% DR न्यूटिलाइजेशन इन 2015। This idiot is not stopping to spread his idiocy again and again. In 2015, IBA had flatly denied DNA license, pension updation and all other demands. Rather, IBA was opposing 100% DR license all along right from fighting in Calcutta High Court, Madras High Court and lastly at Supreme Court. This Jan had spoils the case in Supreme Court due to which the pre-2002 retirees lost lakhs of rupees during 18 years and this Jan had kept mum all the time. Never raised this issue. He had also denied that SC had given verdict against IBA in 1616 and 1684 DA case. He had openly issued circular denying it. Such is the character of this old and useless guy. He is so shameless that now he is greedy to take share of levy on ex gratia if it was achieved by his bogey AIBRF. It is high time to denounce this traitor from retirees matters. Yani ki agar aap hamara kuch bhala nahi kar sakte hain to kam se kam हमें छोड़ दीजिए हमारी हालत पे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।